आज के वीवी प्रोग्रामिंग में हम बात कर रहे हैं फॉर्मेटिंग कि एक्सेल के ऊपर रेंज की फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे। अभी तक हमने आपको पढ़ाया कि किसी डेटा को हम सर मुझे रिकॉर्डिंग का परमिशन दो ना सर। किसी डेटा को सिलेक्ट कैसे करेंगे, किसी डेटा किसी सेल पे हम जिससे कोई डेटा टाइप कैसे करेंगे, राइट। अब हम बात कर रहे हैं कि किसी डेटा को या सेल को फॉर्मेट कैसे करेंगे, तो चलिए इसी चीज पे बात करेंगे। और आज की क्लास में आप बहुत सारे चीज रिकॉर्डिंग मैक्रो से भी लेने वाले हैं, और रिकॉर्डिंग मैक्रो के अंदर जो कोड जनरेट हो रहा है उसको भी समझने वाले हैं। तो विजुअल बेसिक में हम आते हैं, और यहाँ पे मान लीजिए मैंने सब्जेक्ट कर दिया। सबसे पहले हम बात करते हैं कि फॉन्ट, जैसे मान लीजिए इस पे नेम लिखा है, रोल नंबर लिखा है और मार्क्स लिखा है, इसकी फॉन्ट कैसे चेंज करेंगे। जी हाँ, इसकी फॉन्ट को कैसे चेंज करेंगे। तो हम यहां पे देते हैं कि रेंज A1 से लेके C1 डॉट फॉन्ट डॉट, अब फॉन्ट एक क्या पार्ट होता है, सबसे पहले फॉन्ट का नेम होता है, कौन सा फॉन्ट अप्लाई करना है। तो हमने यहां पे दे दिया एरियल, तो मुझे एरियल अप्लाई करना है। फिर रेंज A1 से C1 डॉट फॉन्ट के बाद फॉन्ट की साइज क्या होनी चाहिए, तो हमने बोल दिया कि 14 होनी चाहिए। देन रेंज A1 से लेके C1। अब यहां पे एक चीज देख रहे हैं कि यहां हमारा जो रेंज A1 से जो चीजें है ना, A1 डॉट रेंज का एड्रेस एंड फॉन्ट सब में सेम है, और इतना लंबा मुझे हर लाइन के लिए लिखना पड़ रहा है, क्या सर? यहां पे हम क्या लगा सकते हैं, विड्थ कमांड। हम यहां पे देते हैं कि विड्थ रेंज किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, बहुत सारे सब ऑब्जेक्ट अगर आपको लगाना हो तो आप उसको विड्थ कमांड के साथ लगा। बीट कमांड में क्या हुआ कि मैंने दे दिया बीट रेंज डॉट फॉन्ट, अब मुझे हर लाइन में बार बार ये रेंज ऑब्जेक्ट देने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ यहां पे दूंगा कलर कि फॉन्ट डॉट यहां पे नेम इक्वल टू एरियल डॉट कलर इक्वल टू वीवी ब्लू डॉट सर। किसी भी कलर के आगे वीवी लिखना पड़ेगा क्या, किसी भी कलर के आगे? कलर कोड में भी आपको थोड़ा समझाता हूं, पता चल जाएगा, ठीक है। डॉट अंडरलाइन इक्वल टू ट्रू एंड फॉल्स डॉट बोल्ड इक्वल टू ट्रू या फॉल्स डॉट इटैलिक इक्वल टू ट्रू एंड फॉल्स, अप्लाई करना है तो ट्रू, डिस अप्लाई करना है फॉल्स, कुछ नहीं करना है तो मत दीजिए, डिफॉल्ट रहेगा। डॉट एक स्ट्राइक थ्रू जो बीच बीच काट देता है वो होता है ट्रू या फॉल्स, और लास्ट में जब आपका खत्म हो जाता है देन आप देखेंगे एंड विड्थ। तो रिकॉर्डिंग माइक्रो में आप बराबर विड्थ कमांड देखते होंगे ना सर, देखें कि नहीं देखें गोपाल जी? तो हम ऑब्जेक्ट को विड्थ के साथ लगा दें तो बाकी लाइंस पे मुझे उस ऑब्जेक्ट को देना नहीं पड़ेगा, हमें कोडिंग थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी, क्लियर है, समझे? अब बात करते हैं, अभी थोड़ा देर पहले कलर के लिए बात की, जैसे मान लीजिए इसकी बैकग्राउंड कलर हमें देना है, तो रेंज A1 से C1 डॉट इंटीरियर डॉट कलर। अब देखिए कलर में दो तीन चीजें यूज होता है, कलर में आप यहाँ पे वीवी रेड ग्रीन ब्लू श्याम मजेंटा व्हाइट ब्लैक ये चीजें डाल सकते हैं, राइट, या फिर आप डाल सकते हैं RGB,
8GB का अगर मान लीजिए कलर पता करना हो तो आप जो कलर अप्लाई करते हैं उसी के मोड कलर में जाएंगे, फिर अपना कलर चूज कर ले जो आपको अप्लाई करना, और कस्टम पे आएंगे तो उसका रेड ग्रीन ब्लू, RGB के मतलब होता है रेड ग्रीन ब्लू, तो यहाँ आप वो चीज दे सकते हैं। 153, 153, 255 153, 153, 255 तो ये आपका सेम कलर अप्लाई हो जाएगा। ओके, तो दो कलर्स आपने जाना, RGB कलर डाला और आपने ये डाला। लेकिन जब आप रिकॉर्डिंग करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहीं से रिकॉर्डिंग कर लेता हूं, रिकॉर्डिंग करने के बाद अगर मैंने यहां पे कलर इस्तेमाल किया, मान लीजिए इसी कलर का इस्तेमाल किया, तो क्या होता है? तो यहां पे आप देखेंगे, देखिए विथ का मान लग गया यहाँ पे विथ सिलेक्शन, यहाँ पहले उसने क्या किया, एक एरिया को सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्शन डॉट इंटीरियर। अब इसमें दो चीज ये है कि पैटर्न क्या है, अक्सर सॉलिड है, पैटर्न क्या है सॉलिड है, पैटर्न कलर ऑटोमेटिक है, कलर अब यहाँ पे डॉट कलर, यहाँ देखिए कलर का कोड भी 5296274, लेकिन इतना लंबा कोड क्या लग रहा है आपको, याद होगा जब आप कलर अप्लाई करते हैं फिल, तो ये रहा पैटर्न, दिख रहा है आपको सर कि पैटर्न यहाँ पे सॉलिड रहेगा, पैटर्न का कलर क्या रहेगा, पर ये आपका सॉलिड है, ये आपका पैटर्न अलग अलग दिख रहा है आपको, ये पैटर्न का डाल सकते हैं, तीन सेट मतलब कि तीन अनसेट जीरो है पैटर्न, तीन अनसेट जीरो है आपका, ये पूरा इसको लेता है। लेकिन हमें अगर कलर अप्लाई करना है तो हमें जस्ट यहाँ पे इस मेथड को यूज करना पड़ता है। अब कलर का मेथड सब जगह सेम होता है, ऐसा नहीं कि फॉन्ट में अलग होगा, शीट नेम में अलग होगा, चार्ट में अलग होगा, सब जगह कलर बिल्कुल सेम होता है। अब माल एक और तरीका है कलर का, वो है आपका कलर इंडेक्स, C1.interior.colorindex। अब कलर इंडेक्स में 0 से लेकर 55 तक का कलर आता है। अब ये कलर इंडेक्स नंबर कहां से पता चलेगा, वो हेल्प पे आएगी। कलर इंडेक्स सर्च कीजिए, रिजल्ट आएगा 13। नहीं, कहां से लगे दिख रहा है सर, 1 से लेकर 56 तक का कलर का एक इंडेक्स दिया गया। और हम मोस्टली 3 या 4 कलर या 5 कलर यूज करते हैं ना मोस्टली रिपोर्ट में सर, क्या अब लड़की लोग हैं वो थोड़ा ज्यादा यूज करती है, लेकिन जनरली हम लोग तो 4-5 कलर यूज करते हैं। यस सर, उसका नंबर याद रखिए कि मोस्टली रेड यूज करते हैं, रेड हमारा हो गया 3 नंबर, 4 पे हमारा ग्रीन है, 5 पे हमारा ब्लू है, 6 पे आपका येलो है। क्या सर? हाँ सर, हाँ सर, यस सर, एक कलर इंडेक्स नंबर है। तो फॉर्मेटिंग में हमने दो चीजें सीखा, हमने सीखा फॉन्ट अप्लाई करना और बैकग्राउंड कलर करना। फॉन्ट के अंदर भी कलर होते हैं, तो कलर का सिस्टम मैंने बताया सब जगह सेम होता है। अब बात करते हैं बॉर्डर की। देखिए अगर मुझे बॉर्डर लगानी हो, अगर मुझे बॉर्डर लगानी हो तो क्या है, हमें C10 तक चाहिए, तो हम सिंपली लिखते हैं रेंज
A1 से लेके C10 डॉट बॉर्डर्स डॉट लाइन स्टाइल और यहां पे एक्सेल कंटिन्यूअस या वन लिख देते हैं, हमारा बॉर्डर अप्लाई हो जाता है। लेकिन इसी चीज को जब हम रिकॉर्डिंग माइक्रो में लेके जाते हैं और वहां पे फॉर्मेट सेल में बॉर्डर यूज करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे, तो रिकॉर्डिंग माइक्रो हर बॉर्डर का, देखिए हर बॉर्डर का पार्ट है, ये दिख रहा है आपको, ऊपर का बॉर्डर है, साइड है, लेफ्ट है, राइट है, मिडल है, ये वर्टिकल इनसाइड वर्टिकल है, इनसाइड हॉरिजॉन्टल है, ये आपका जो है पूरा है। तो रिकॉर्डिंग माइक्रो में जब आप जाएंगे तो देखिए इसमें इस तरह से यूज किया है कि बॉर्डर्स के बाद अगर आपने ब्रैकेट लगा दिया तो आपको देना होगा कि आप कौन सा बॉर्डर अप्लाई करते हैं और उसकी लाइन स्टाइल क्या है, तो उसका कलर क्या है, ऑटोमेटिक है या फिर कोई कलर देना चाहते हैं, थीन से जीरो है और उसका विड्थ ठीक है या थीन है, यहाँ पे ठीक और थीन दो आता है, ठीक मतलब मोटा और ठीक मतलब पतला बॉर्डर जो थीन है मतलब। और इसने टॉप के लिए, बॉटम के लिए, राइट के लिए, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल सब के लिए इसने अलग अलग बॉर्डर लगाया है। और बॉर्डर पहले बॉर्डर उसने हटाया भी है, देखिए यहाँ पे, तो बॉर्डर हटाने के लिए लाइन स्टाइल में एक्सेल नन कर दीजिए, आपका बॉर्डर रिमूव हो जाएगा। गोपाल जी एंड सुधाकर जी, बॉर्डर समझ में आया आपको? यस सर। सर ये विथ और एंड विथ जो होता है सिर्फ इसी के साथ यूज होता है या फॉन्ट के साथ? नहीं, हम यहाँ नहीं बॉर्डर के साथ अप्लाई किया हुआ है। विथ का यूज बता रहा हूँ आपको, मैंने क्या बोला, देखिए इंटीरियर भी यूज हो रहा है। विथ का यूज होता है जब आपको एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक ऑब्जेक्ट, अभी इस ऑब्जेक्ट में कुछ भी हो सकता है, समझे, यहाँ चार्ट भी हो सकता है, पेपर टेबल हो सकता है, फिल्टर भी हो सकता है, इंटरनेट भी हो सकता है, उस ऑब्जेक्ट पे मुझे कई सारे मेंबर अप्लाई करने, तो आपके पास दो तरीके, एक तो आप इस तरह से ऑब्जेक्ट मेंबर लिख सकते हो, इसमें लिखने में थोड़ा सा बड़ा, क्योंकि चलो अभी ना आपका रेंज A1 से C1 हो, लेकिन ये अगर कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे हो तो क्या होगा, उतना लाइन लिखना पड़ जाएगा ना सर आपको। तो यहाँ पे इसलिए इजिली कर लेते, आगे चल के बहुत सारे कोर्स में विथ का यूज आप देखेंगे, ठीक है सर। तो हमने बॉर्डर को देख लिया, अब बात करते हैं अलाइनमेंट की। देखिए अलाइनमेंट भी आप यहां, मैंने मान लीजिए कि आप अप्लाई कर दिया, तो अलाइनमेंट का भी कोड देखोगे तो सिंपल कोड है, ये भी आप समझ सकते हैं सिंपली, ये रहा अलाइनमेंट। अलाइनमेंट में सबसे पहले यहाँ पे विथ दिया, सिलेक्शन दिया, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, वर्टिकल अलाइनमेंट, वर्टेक्स, ओरिएंटेशंस, एंड इंडेंट, इंडेंट लेवल, श्रिंक टू फिट एंड मर्ज सेल, ठीक है सर, जो ऊपर में होता है आपके यहाँ पे अलाइनमेंट ये होता है ना आपका, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, वर्टिकल अलाइनमेंट, ओरिएंटेशन, एंगल चेंज करना है, ये आपका इंडेंट होता है, ये आपका वर्टेक्स होता है, ये आपका मर्ज सेल होता है, और अगर इसके मोड में जाते हैं तो क्या होता है, श्रिंक टू फिट होता है ना, सेम चीज हमने यहां भी इस्तेमाल किया। उसके बाद हम बात करते हैं नंबर फॉर्मेट की, जैसे मान लीजिए कि मैं डेट डला हुआ है और डेट का फॉर्मेट अप्लाई करना है, तो ऐसे तरीके बहुत है, लेकिन मैं सिंपली लिखता हूं कि रेंज D2, मान लीजिए D2 पे डेट है, मान लीजिए D2 डॉट नंबर फॉर्मेट इक्वल टू DD/MMM/YY। तो आप जब कस्टम फॉर्मेटिंग करते हैं ना, ये जो कस्टम फॉर्मेटिंग करते हैं, इसमें जो कोड होता है डेसिमल का, डैश के लिए, परसेंटेज के लिए, जो भी कोड इसमें हम डालते हो, कोड डायरेक्ट यहाँ यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है सुधाकर जी? हाँ सर, सुन रहा हूँ मैं। हाँ जी, ये हमारा नंबर फॉर्मेट होता है। और इसी तरह से बाकी चीजें भी अप्लाई होती है, जैसे कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग की हम बात करें, कि मुझे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ग्रेटर देन 50 करना है, तो ग्रेटर देन 50
और अपना कलरिंग ले लीजिए, तो ये भी कुछ इस तरह से आपका कोड जनरेट करता है। देख लीजिए ये रहा सिलेक्शन, यहाँ पे देखिए यहाँ से सिलेक्शन डॉट फॉर्मेट कंडीशन डॉट एड, टाइप की वैल्यू सेल है, ऑपरेशन ग्रेटर देन है और फॉर्मूला है 50। और इसने पोर्टी सेट की हालांकि लाइन की जरूरत नहीं है, और इसने बोला कि पहले कंडीशन फॉर्मेटिंग जो अप्लाई है उसकी जो फॉन्ट कलर है ये दे दे, सिंपल ये दे दे, और फिर इसने बोला पैटर्न और इसकी बैकग्राउंड कलर को चेंज कर दिया। हालांकि ये जो दो अलग अलग किया है ना, ये एक साथ भी किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे फॉन्ट अप्लाई करना था, यहाँ पे इंटीरियर अप्लाई करना था, इसलिए इसे दो अलग अलग फिट किया है। ठीक है, तो ये चीजें देखिए, ये चीजें तब समझ में आएगी जब आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलिए एक प्रोजेक्ट डिस्कस कर लेते हैं। अब मुझे क्या करना है कि हर महीने मान लीजिए मुझे अटेंडेंस का फॉर्मेट जनरेट करना होता है, हर महीने अटेंडेंस का फॉर्मेट जनरेट करना होता है। ठीक है सर, अब आप मुझे एक ऐसा रिपोर्ट बना के दे, एक ऐसा माइक्रो बना के दे दे, जब हम रन करें तो उस महीने का अटेंडेंस फॉर्मेट बन के आ जाए। ठीक है सुधाकर जी, समझ में आया? तो डबल क्लिक करते ही क्या आ जाए, उस महीने का अटेंडेंस फॉर्मेट, और अटेंडेंस फॉर्मेट के अंदर जो भी चीजें हैं उसकी कोडिंग आप करोगे और रन करते ही उसका फॉर्मेट बन जाना चाहिए, उसी महीने का जिस महीने में रन करूंगा। यहाँ पे आप चॉइसेस भी दे सकते हो, कौन सा मंथ का करना है, मंथ जो मंथ टाइप करेगा उस महीने का बन जाएगा, वो डिपेंड आपके ऊपर करता है। गोपाल जी बन जाएगा प्रोजेक्ट? यस सर, ट्राई करूंगा सर मैं। तो ट्राई कीजिए और कल जो है अगर बना के दीजिए, कल बन गया तो ठीक है, अदरवाइज कल मैं बना के।